पुलिस के बच्चों के शिक्षा के लिए लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। दिल्ली पुलिस के बच्चों के शिक्षा के लिए लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के सफदरगंज के रास्ते से संसद की ओर कूच करते जेएनयू के छात्रों पर पुलिस ने सोमवार को लाठीचार्ज किया। छात्र नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। मौके पर छात्रों ने मांग रखी कि बढ़ाई गई फीस पूरी तरह से वापस ली जाए। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के छात्र उस मसौदा छात्रावास नियमावली के खिलाफ 3 सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें छात्रावास का शुल्क बढ़ाने, ड्रेस कोड तय करने और छात्रों में आने जाने का समय तय करने की बात की गई है। छात्रों को हिरासत में लिए जाने के बाद छात्रों का कहना है कि हमें पुलिस मास अरेस्ट कर ले, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। उनको रोकने के लिए विश्वविद्यालय के बाहर पुलिस की 10 कंपनियां तैनात हैं। संसद और जेएनयू के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। वहीं मानव संसाधन विकास यानी HRD मंत्रालय ने सोमवार को 3 सदस्यीय एक समिति गठित की, जो जेएनयू की सामान्य कार्य प्रणाली बहाल करने के तरीके पर सुझाव देगी। अधिकारियों ने बताया कि जेएनयू पर HRD मंत्रालय की समिति छात्रों एवं प्रशासन से बातचीत करेगी और सभी समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक टीवी। वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं।